हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं बायर कंपनी की प्लानोफिक्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में। हमारी यह वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको डीपली जानकारी शेयर करेंगे कि जो बायर कंपनी का प्लानोफिक्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आता है, किस फसल पर हमको सर्वोत्तम बेहतर परिणाम देखने के लिए मिलेंगे, कौन सी फसलों पर हमको यह प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का छिड़काव नहीं करना चाहिए, कौन सी क्रॉप पर स्प्रे करना चाहिए, एक्चुअली पर इसका डोज क्या है, कीमत क्या है, इसके स्प्रे करने से हमारी फसलों पर कौन कौन से फ़ायदे देखने के लिए मिल सकते हैं। एक बात और, हमारे किसान भाइयों द्वारा कमेंट्स आते हैं कि हम प्लानोफिक्स को कौन कौन सी खाद दवाइयों के साथ मिक्स करके प्रयोग करें, क्या हम इसे सॉइल एप्लीकेशन से भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर नहीं, एक फसल पर कितने बार प्रयोग करना चाहिए, सही डोज क्या है और कितने घंटे तक स्प्रे करने के बाद बरसात नहीं होनी चाहिए, रेसिडुअल एक्टिविटी कितनी है, रिजल्ट टाइम कितना है और हम स्प्रे करने वाले हैं मिर्च की फसल पर और आपको रिजल्ट भी बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय कृषि नेटवर्क एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। बायर कंपनी की प्लानोफिक्स एक प्रकार की प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, यानी पौध वृद्धि नियामक, यानी हमारी फसल की जो बढ़वार है उसे यह रेगुलेट करती है, यानी जो वेजिटेटिव वनस्पतिक बढ़वार है उसे यह कंट्रोल करती है। और इसमें जो कंटेंट है अल्फा नेफथिल एसिटिक एसिड है 4.5%, जो कि SL फॉर्म में आती है, इसे NAA के नाम से भी जाना जाता है और यह ऑक्सीजन ग्रुप का यह एक प्रकार का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। तो जो ऑक्सीजन ग्रुप के कौन कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, जैसे NAA, IAA, IBA, 6BA और NNA, यानी अल्फा नेफथिल एसिटिक एसिड, जैसे बायर कंपनी की प्लानोफिक्स, यह जो हमने सभी के नाम बताए हैं यह ऑक्सीजन ग्रुप के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक रूट हार्मोन्स है जो कि जड़ विकास, रेशेदार जड़ों का निर्माण करने के लिए काफ़ी कारगर होता है हमारी प्लांट और क्रॉप के लिए। सोयल एप्लीकेशन से भी आप बायर कंपनी की प्लानोफिक्स का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप सोयल एप्लीकेशन से प्रयोग कर रहे हैं तो शाम टाइम ही आपको सोयल एप्लीकेशन से देना है और पहले आप सिंचाई कर लीजिए, तभी आप सोयल एप्लीकेशन से ड्रिप पर भी प्लानोफिक्स को आसानी से छोड़ सकते हैं, बाकी आप प्लानोफिक्स का स्प्रे तो कर ही सकते हैं। कार्य विधि और फायदे के बारे में बात करें तो NAA स्प्रे करने से फल फूलों की जो ड्रॉपनेस है उसको भी यह कंट्रोल करता है, फूलों के डंठल को भी मजबूत करता है, फलों के आकार में वृद्धि करता है, अनचाही वृद्धि को भी रेगुलेट करता है और फल और फूलों की संख्या को बढ़ाता है, फलों की जो गुणवत्ता होती है उसे भी बढ़ाता है और फूलों की संख्या में यह वृद्धि करता है, साथ ही पौधों की जो शाखाएं होती हैं उनका भी विकास सही दिशा में करता है और कपास की क्रॉप पर, मिर्च क्रॉप पर जो फ्लावर ड्रॉप की समस्या आती है उसको भी ईजिली तरीके से सस्ते पर बढ़िया हमको रिजल्ट प्राप्त होते हैं। इसे आप कीटनाशक के साथ मिक्स करके प्रयोग कर सकते हैं, फंगिसाइड के साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, नीम ऑयल के साथ, एजॉक्सी स्ट्रोबेन, डेफेनकोनोजोल, टेबुकोनोजोल के साथ, साइपरमेथ्रिन के साथ, एसिटाइप्रेट के साथ भी मिक्स करके प्रयोग आप कर सकते हैं। क्रॉप स्प्रे के बारे में बात करें तो प्लानोफिक्स को आप टमाटर की फसल पर, भिंडी, कपास, अंगूर, अनार, मिर्च, आम, सरसों, सोयाबीन, बैगन, मूंगफली के साथ साथ बागवानी पर और जो फूल वाली क्रॉप्स होती हैं, सब्जियां होती हैं, उन पर आप इजीली प्लानोफिक्स का स्प्रे कर सकते हैं। प्लानोफिक्स दुनिया का एकमात्र सबसे सस्ता और बढ़िया रिजल्ट देने वाला NAA यानी अल्फा नेफथिल एसिटिक एसिड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, जो कि काफ़ी टाइम से पॉपुलर के साथ साथ बढ़िया हमको रिजल्ट दे रहा है। डोज के बारे में बात कर लेते हैं तो इसका जो डोज है 15 लीटर पानी में
3 से 4 ml की दर से आपको छिड़काव करना चाहिए। और यदि प्रति एकड़ की बात करें तो 150 लीटर पानी में 40 से 50 ml प्रति एकड़ की दर से मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं। कीमतों के बारे में बात करें तो 100 ml की कीमत मार्केट में लगभग 100 रुपये से लेकर 110 रुपये के आसपास उपलब्ध हो जाती है, और एक लीटर की जो कीमतें हैं 900 से 950 रुपये के आसपास कीमतें देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन हम जो आपको कीमतें बता रहे हैं, यह अलग अलग सिटीज़, अलग अलग राज्यों के हिसाब से कीमतें कम और ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं कि किस स्टेज पर हमको स्प्रे करना चाहिए। तो जो सही स्टेज है, यह एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। रेगुलेटर का स्प्रे हमको फूल स्टेज पर करना चाहिए। लेकिन जो प्लानोफिक्स है, फूल आने के पहले 4-5 दिन पहले 8 दिन पहले यदि आप स्प्रे कर देते हैं तो आपको बढ़िया रिजल्ट प्राप्त होंगे। अब कितने टाइम स्प्रे कर सकते हैं? एक टाइम यानी एक बार ही आप स्प्रे कर सकते हैं, और अधिकतम आप 2 बार किसी फसल पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी भी फसल पर 2 बार प्रयोग करना चाहते हैं तो फर्स्ट स्प्रे से सेकंड स्प्रे का जो गैप है लगभग 15 से 18 दिन आपको रखना चाहिए। जो रिज़ल्ट हैं 12 से 15 दिनों तक हमको रिज़ल्ट देखने के लिए मिलते हैं। और जो रेसिडुअल एक्टिविटी है तो लगभग जैसे ही आपने स्प्रे किया 2 घंटे 1.5 से 2 घंटे तक बरसात नहीं होनी चाहिए, हमको काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। सावधानी ये है कि आप जो वायर कंपनी की प्लानोफिक्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का छिड़काव कर रहे हैं, शाम टाइम स्प्रे करें, पहले सिंचाई कर लीजिए। और जो सही स्टेज है कि फ्लावरिंग स्टेज, फूल आने से पहले पहले यदि आप स्प्रे करते हैं, फल और फूलों की संख्या देखने के लिए मिलेगी, फल फूल ड्रॉप नहीं होंगे। एक और जानकारी ये है कि जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं तो पानी एकदम साफ होना चाहिए, और प्लानोफिक्स का डोज आपको बढ़ाकर छिड़काव नहीं करना चाहिए। एवं धनिया की फसल पर, पालक, लाल साग और मूली जैसी क्रॉप पर यदि आप प्लानोफिक्स का प्रयोग करते हैं तो कोई खास रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। बाकी मिर्च की फसल पर हमने प्लानोफिक्स का स्प्रे किया है, तो स्प्रे हमने किया था फ्लावरिंग स्टेज से पहले और काफ़ी हमको अच्छे रिजल्ट प्राप्त हुए। प्लानोफिक्स का स्प्रे करने के बाद आप कुछ फ़ोटो देख सकते हैं। यह है मिर्च की क्रॉप, और मिर्च की क्रॉप पर हमने फ्लावरिंग स्टेज से पहले प्लानोफिक्स का स्प्रे किया था, काफ़ी अच्छे फूलों की संख्या देखने के लिए मिली, और जो फूल ड्रॉप भी नहीं हो रहे हैं। तो कुल मिला के बायर कंपनी की प्लानोफिक्स एक प्रकार की प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। फ्लावरिंग स्टेज पर हमको स्प्रे करना चाहिए। यह एक ऑक्सिन ग्रुप का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, जो कि रूट हार्मोन्स जड़ विकास में काफ़ी हेल्प करता है, उत्पादन को काफ़ी हद तक बढ़ाता है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग सीखने के लिए मिला होगा। धन्यवाद।